नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे नए व्लॉग में। आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं रोशनारा बाग की, जो मौजूद है पुरानी दिल्ली के सब्जी मंडी एरिया में। ये शक्तिनगर से सटा हुआ भी है। अभी हम चल रहे हैं रोशनारा रोड पर, जो जाता है घंटाघर गोल चक्कर की तरफ। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के करीब भी आप इसे मान सकते हैं। घंटाघर के पास एक ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क भी मौजूद है, जहां पे महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाया जाता है। तो आइए अब हम एंटर करते हैं रोशनारा बाग के अंदर। ये वाला गेट घंटाघर के नज़दीक है। सो गाइस, आज हम आपको लेके आए हैं रोशनारा पार्क के अंदर, जो आप अभी देख ही सकते हैं कितना बड़ा है। सो गाइस, ये किसने बनाया था मैं आपको बता दूँ। ये रोशनारा बेगम ने, मतलब कि जो शाहजहाँ की एक बेटी थी, उन्होंने अपने लिए बनवाया था। आज हम आपको रोशनारा पार्क की सैर करवाते हैं, दिखाते हैं कि इधर क्या क्या है। रोशनारा बाग में हजारों से ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इनमें से कुछ जापान से आयातित भी है। रोशनारा पार्क में सुबह सुबह सैर करने का कुछ मजा ही अलग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए जिम वाली मशीनें भी लगाई गई है, जिसको ओपन जिम बोला जाता है। इन जिम की मशीनों पर आपको बच्चे, महिलाएं, नौजवान और बड़े बुजुर्ग एक्सरसाइज करते हुए दिख जाएंगे। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी जगह हैं, जहां पे बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और बहुत सारी चीज़ें खेल सकते हैं। रोशनारा बाग का निर्माण रोशनारा बेगम ने करवाया था, जो एक मुगल प्रिंसेस थी और सम्राट शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल की दूसरी बेटी थी। उन्होंने यहां हरा भरा बगीचा बरादरी के साथ साथ अपने लिए मकबरा भी बनवाया था। ये जो सामने आपको इमारत दिखाई दे रही है, यही है रोशनारा बेगम की बरादरी और मकबरा। रोशनारा बेगम एक शानदार महिला और एक प्रतिभाशाली कवयित्री थी। रोशनारा बाग का निर्माण खुद बेगम रोशनारा ने अपने जीते जी करवाया था। बाद में बादशाह औरंगजेब ने रोशनारा बाग में एक बगीचे का निर्माण कराया, जिसे उन्होंने खुद डिज़ाइन और कमीशन किया था। औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद राजकुमारी रोशनारा बेगम ने राजनीति से दूर रहने का फैसला किया और शाही लाल किले से दूर घने जंगल में घिरी एक जगह को, जिसे आज रोशनारा बाग कहते हैं, अपने छोटे से महल के रूप में एक गूढ़ जीवन बिताना चुना। राजकुमारी ने कभी भी शादी नहीं की और अपने जीवन के अंत तक अपने महल में रही। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रोशनारा बेगम की मौत 1671 में जहर देने से हुई थी, लेकिन यह राज है कि यह जहर उसने खुद खाया या किसी ने दिया। 54 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। रोशनारा बाग में ही बेगम रोशनारा को एक बरादरी में दफनाया गया। बरादरी के एक कॉर्नर में आज भी उस समय का एक कुआं मौजूद है। लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुएं के ऊपर एक लोहे का जाला लगाया गया है। माना जाता है उस वक्त इस कुएं के पानी का इस्तेमाल पीने के साथ साथ बरादरी के चारों ओर बनी नहर के लिए भी किया जाता था। बरादरी के चारों ओर पानी के हौज थे, जो अब सूखे हुए हैं। इनमें उस वक्त पानी भरा रहता था और फव्वारे बहते थे। गाइस, यहाँ पे है वो हौज, जहाँ पे अब पानी तो नहीं है, पर यहाँ पे आपको बच्चे खेलते हुए दिख सकते हैं। और देखिए, अब आपको सामने दिखाई दे रहा है बाग में एंटर करने के लिए दूसरा एंट्री गेट। इस बाग की बरादरी में कभी शाही खानदान सैर सपाटे के लिए रुकता था।
सितंबर 1671 में 54 साल की उम्र में रोशन आरा का निधन हो गया। मुगलिया रीति रिवाज के साथ जनाजा निकला और बाग में बरादरी के बीचों बीच रोशन आरा बेगम को दफन किया गया। आज शहजादी रोशन आरा बरादरी के बीचों बीच दो गज कच्ची जमीन में सोती है। यूं पूरी बरादरी के ऊपर लाल पत्थर की मजबूत छत है, मगर शहजादी रोशन आरा खुले आसमान के नीचे है, क्योंकि वो ऐसे ही सोना चाहती थी। तो चलिए अब आपको आगे की सैर कराते हैं और दिखाते हैं कि अब आप इस पार्क में और क्या क्या कर सकते हैं और साथ में क्या क्या देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पार्क को बोला जाता है पहाड़ी वाला पार्क, क्योंकि इसके बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है। तो चलिए अब आपको इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है। और यहाँ पे हम बस पहुँचने ही वाले हैं। सो गाइस, ये देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए। और गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है। बस आपको ये पहाड़ी वाला पार्क का व्यू कैसा लगा? अच्छा। तो गाइस, ये जो पार्क है इसमें एक बहुत ही बड़ा व्यू है, जैसे कि आपने ये पढ़ी होगा, एक्चुअली प्रेशर बहुत है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक रास्ता बना है जहाँ पे हम जाके जैसे कि चप्पल में पहन के रह जाना। तो कहती हूँ अगर आप इधर नंगे पैर चलते हैं तो गाइस आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होगा कि जो आपका पैर होता है उसके जो नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो दबेगी। इसे ऐसा डिज़ाइन किया गया कि वो दबे, तो जब वो दबेगी तो आपकी बॉडी को कहीं पर रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे हमें साइकिलिंग करने में बहुत मज़ा आता है, बस मन करता है कि अब साइकिलिंग ही करते रहे। ये जो वॉकिंग वाला ट्रैक है यह 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो गाइस, ये पार्क के थोड़ा अंदर वाला एरिया है और यहाँ पे पहले फाउंटेन्स लगे होते थे, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो पहले के टाइम पे यहाँ पे इसमें के अंदर पानी होता था, पर इस टाइम पे अभी इसके अंदर पानी नहीं है। लेकिन आपको पार्क में हरियाली, पेड़ पौधे हर जगह दिखाई देंगे। पार्क में हमें जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है तो दक्षिण में हम दोनों अपनी साइकिल एकदम से भगा देते हैं। बस अभी
पहले कुछ सालों में खेल थी, पर क्या हुआ कि अभी थोड़े सालों में ही ये पूरी खाली होगी। अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था, पहले इसके अंदर यहाँ तक पूरा पानी भरा रहता था गाइस। सोचो इतना सारा पानी गया कहाँ पे, जहाँ पे भी आप दूर दूर से देखो वहाँ पे पहले झील थी। दक्ष को भी इधर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आज। अगर मैं यहाँ पे टोटल भी निकालने की कोशिश करूँ तो अराउंड इधर 10,000 से ऊपर बैट है, ये पक्की बात। पार्क है उसका पीछे का मतलब, तो बस यहाँ पे अगर आप ठीक है बाहर जा सकते हो और बाहर आपको जाते हैं बहुत सारा क्लब मिल जाएगा, जैसे आप देख ही सकते हो वहाँ पे है रोज सारा क्लब। सो गाइज ये जो पार्क है यहाँ पे आप पीकॉक्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि इस पार्क में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। और गाइज ये जो हम अभी पार्क के पीछे की साइड पे है वहाँ पे बहुत ही सारे पीकॉक्स हैं। जा जल्दी इधर से है ना, गोल वाले में। हाँ इसमें नहीं कुछ नहीं हो रहा बेटा, जल्दी करना यार। देख देख पैर देख देख इधर
सो गाइस यहाँ पे पैरट्स बहुत ही ज्यादा संख्या है संख्या में है और साथ में आपको पैरट और एक ग्राउंड में देखने को मिलेगा। उड़िया ना उड़िया उड़िया चलो देखो रे देखो ओरे 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 चलो लगा लो आराम से धीरे दस देख धीरे। सो गाइस ये देखिए एक और ओपन जिम और गाइस ये रहा इसका एक और गेट। सो गाइस इन बहुत सारे छोटे जीव जंतुओं की आवाज सुन के जैसे स्क्विरल्स की आवाज सुन के मन को बहुत ही आनंद आता है। तो गाइस ये रोशनर पार्क का सफर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए।